2.1.3 प्रायद्वीपीय पठार। भारत का एक बड़ा हिस्सा पठारी प्रदेश है, जिसे प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और कच्छ से होते हुए लगभग यमुना और गंगा के समानांतर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों और उत्तर पूर्व में शिलोंग पठार तक और समस्त दक्षिण प्रायद्वीप में है। वास्तव में भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से पठार का कुछ हिस्सा उत्तर में सिंधु और गंगा के अवसादों के नीचे दबा हुआ है। कहीं कहीं इस प्राचीन पठार के हिस्से मैदानी इलाकों में देखने को मिलते हैं। पिछले पाठ में हमने भारतीय प्लेट के बारे में पढ़ा है। भारत का विशाल प्रायद्वीपीय पठार ही वह भारतीय प्लेट है, जिसे गोंडवाना लैंड भी कहा जाता है। यह दक्षिण एशिया का एक प्राचीन भूखंड है। इसका विस्तार 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। प्रायद्वीपीय पठार कठोर शैलों से बना है, जिनमें आग्नेय व कायांतरित शैलें, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, नीस, शिस्ट आदि पाई जाती हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि लाखों वर्ष पहले भारतीय प्लेट या गोंडवाना लैंड धीरे धीरे खिसकते हुए उत्तर के यूरेशियाई प्लेट की ओर विस्थापित हो रहा था। जब वह वर्तमान स्थिति में पहुंचा, तब इसका पश्चिमी भाग धंस अवतलन गया। यहाँ आज अरब सागर है। भू अवतलन के कारण समस्त प्रायद्वीप पठार का ऊंचा स्वरूप बना, जिस पर सदियों से कटाव अपरदन की प्रक्रिया ने धरातलीय स्वरूप का निर्माण किया है। जहाँ की चट्टानें अपेक्षाकृत मुलायम थी, वहाँ कटाव अधिक हुआ और कठोर चट्टान कम अपरदित हुई। यहाँ के अधिकतर पहाड़ कठोर चट्टानों के अवशेष हैं, जिन पर आज भी अपरदन कार्य हो रहा है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इन पहाड़ियों के ऊपरी भाग हिमालय के पर्वत शिखर की तरह नुकेले नहीं वरन गोलाकार हैं। पठार के सीमांत पट्टियों पर ऊंचे पहाड़ तथा अपरदित पठार देखे जा सकते हैं, जैसे सह्याद्री पर्वत और अरावली पर्वत। भूगर्भिक हलचलों के कारण पठार में कहीं कहीं भ्रंश या दरार की उत्पत्ति हुई है। ऐसे ही भ्रंश से उत्पन्न घाटी में नर्मदा और ताप्ती नदियां प्रवाहित होती हैं। पालनी और नीलगिरी पहाड़ियां इसके उदाहरण हैं। दक्कन का लावा क्षेत्र, जिसे काली मिट्टी का प्रदेश भी कहते हैं, ज्वालामुखी से निकले लावा के जमाव निक्षेप से बना है। प्रायद्वीपीय पठार का ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है, इसलिए यहाँ प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियाँ पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पठारी क्षेत्र हिमालय और मैदानी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक स्थिर है, लेकिन यहाँ भी कभी कभी भूकंप आए हैं, जैसे सन 1998 में महाराष्ट्र के लातूर का भूकंप तथा सन 2004 में आया भुज गुजरात का भूकंप।